शहर में अब कूड़ा फेंकने वाले स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। गंदगी फैलाने पर संबंधित व्यक्ति को जुर्माना भी ठोका जाएगा। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है, जो सर्वाधिक कूड़ा उठाए जाने वाले क्षेत्रों का सर्वे कर स्पॉट चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस सारी देखरेख का जिम्मा एसटीएम व नगर परिषद हमीरपुर के ईओ को सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि यह टीम शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर मुख्य स्पॉट जांच रही है। इस सर्वे के पूरा होते ही चिन्हित स्पॉट्स पर प्रशासन कैमरे लगाएगा। इन कैमरों की मॉनिटरिंग नगर परिषद ऑफिस से की जाएगी। वहीं उपायुक्त भी ऑनलाइन कैमरों की समीक्षा करेंगी। बहरहाल शहर में इन सीसीटीवी कैमरों के लगाने से दो तरह के फायदे मिलेंगे। एक ओर जहां गंदगी फैलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों पर भी नजर रखी जा सकेगी कि वे समय पर संबंधित क्षेत्र से कूड़ा उठाते हैं या नहीं। इससे सफाई व्यवस्था में भी काफी सुधार होगा। अनुलन देखा जाता है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के बाद भी वे कूड़ा खुले में या कूड़ेदान के बाहर ही फेंक देते हैं। अलबत्ता जिला प्रशासन की ये पहल शुरू हो जाने से अब शहर को स्वच्छ रखने में काफी सहयोग मिलेगा। कैमरे के लगने से लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा का कहना है कि शहर में कूड़े के मुख्य स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। स्पॉट चिन्हित होने के बाद यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गंदगी फैलाने वालों पर निगरानी रखने के साथ ही उन्हें जुर्माना डाला जाएगा। इस योजना के शुरू हो जाने से शहर में स्वच्छता बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। इसमें एक शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एमसी के साथ मिलकर हम एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि लोग एक स्पॉट चुन लेते हैं, वहां पे कोई कूड़ादान भी नहीं होता, वहां कोई कूड़ा फेंकने का और उठाने का प्रावधान नहीं होता, लेकिन उन जगहों पर कूड़ा फेंक देते हैं और ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स धीरे धीरे बनते जाते हैं। तो हम उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। वहां पे ये कोशिश की जाएगी कि हम सीसीटीवी की निगरानी करें, वहां पे बोर्ड लगवाए जाएंगे बकायदा कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है और अगर कोई फेंकता हुआ पकड़ा जाता है तो उसमें आगे क्या प्रावधान है, फाइन है या जो भी है। मेन मकसद इसका है लोगों में जागरूकता लाना, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना, ताकि लोग जहां पे कूड़ादान रखे हैं, जहां उन्हें फेंकना चाहिए वहीं कूड़ा फेंके, अपनी जिम्मेदारी को समझे और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए। वहीं स्थानीय लोगों में भी जिला प्रशासन की पहल पर खुशी जाहिर की है और लोगों का कहना है कि इससे स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकेगा और चोरी छिपे जगह जगह कूड़ा फेंकने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। जिला प्रशासन की जो है बहुत ही सराहनीय पहल है और ऐसा जो है पूरे जिले में नहीं, लेकिन जो नगर पंचायतें हमारी और नगर परिषद है वहाँ पर सभी जगह ये चीज होनी चाहिए। लेकिन सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो हम लोगों की मानसिकता जो है वो हमारी ख़राब हो चुकी है आज की डेट में। जब तक हम अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है इन चीज़ों से निजात नहीं पाया जा सकता है। ये हमारी मूलभूत कई चीज़ें हैं, जैसे अब मान लिया हमारा रास्ता ही है, रास्ते में हम चल रहे हैं तो वहाँ पर गंदगी पड़ी है, अच्छी थोड़ी लगती है। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले आम नागरिकों से और अपने यार दोस्तों से अपील करता हूँ कि वो अपनी मानसिकता को चेंज करें, वो ऐसी जगहों पे ऐसे स्थानों पे जो है कूड़ा कचरा ना फेंकें। ये बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, नगर परिषद हमीरपुर और प्रशासन डीसी मैडम ने भी आदेश दिए हैं और नगर परिषद उस पर काम कर रही है। ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। अभी डस्टबिन रखने की भी प्लानिंग है जगह जगह और जो भी कूड़ा करकट जगह जगह फेंकते थे लोग उसको अब एक जगह इकट्ठा करके उस डस्टबिन में डाल सकते हैं। और नंबर दो, घर घर में जा कर के भी कूड़ा उठाने की प्लानिंग बनाई जा रही है, जिसमें गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग उठाया जाएगा। और जो जगह जगह पर सीसी कैमरे लगेंगे उससे जो लोग कूड़ा फेंक जाते थे रात के अंधेरे में भी अब वो वैसा कार्य नहीं कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी मुहिम है और इसका स्वच्छ भारत के लिए और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है।
गौरतलब है कि तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद कुछ लोग शहर में गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिसका जहां मन होता है वहीं कूड़ा फेंक देता है। यही हाल भवन निर्माण करने वालों का भी है। कुछ एक मकान बनाने के बाद बिल्डिंग मटेरियल सड़कों पर जमा कर देते हैं। ऐसे में अब लोगों द्वारा मनमानी करने पर उन्हें प्रशासन अर्थदंड लगाएगा।